अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बनाएंगे तहरी। इसके लिए हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है और हमने यहाँ पर डाला है 2 चम्मच आयल। आयल गर्म होते ही हम डाल देंगे सारे खड़े मसाले, लौंग, चक्का और इलायची। फिर हम डालेंगे 3 बड़ी वाली प्याज और ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा नमक ताकि हमारी प्याज जल्दी से ब्राउन हो जाए। देखिए हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब यहाँ पर हम डालेंगे 5 टमाटर बारीक कटे हुए। टमाटर और प्याज को हम अच्छे से नरम कर लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे, प्याज टमाटर नरम होते ही हम डाल देंगे 1 बड़ा वाला चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से पका लेंगे। अदरक लहसुन पेस्ट को हम अच्छे से भून लेंगे। फिर हम डालेंगे चिकन, आप चाहे तो यहाँ पर मटन भी डाल सकते हो, मटन की तहरी भी बहुत टेस्टी रहती है। फिर हम डालेंगे 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 स्पून नमक, 1 कप दही यहाँ पर हमने डाला है। दही का पानी ऊपर छूट चुका है तो इसमें हम डालेंगे हरा धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ। इसको चलाते रहें ताकि नीचे ना लगे। देखिए थोड़ी देर इसी तरह हम पकाएंगे। फिर हम डालेंगे ऊपर से 2 स्पून बिरयानी मसाला, 5 हरी मिर्च और नींबू का रस भी हमने यहाँ पर डाला है। इस तरह हिलाते हुए हम इसको धीमी आंच पर पकाएंगे। और थोड़ा सा हम यहाँ पर छोटी कप से हमने यहाँ पर 2 कप पानी डाला है और फ्लेम को स्लो करके हमने इस चिकन को पका लिया है, चिकन मसाले को। ये देखिए हम चिकन यहाँ पर हाफ बॉईल हो चुका है स्लो फ्लेम पर। फिर हम अपने अंदाज़ से, चावल के अंदाज़ से हम यहाँ पर पानी डालेंगे। और अपने हिसाब से यहाँ पर हम नमक भी डाल लेंगे। वन बाई फोर यहाँ पर हम चावल डालेंगे और 1 हिस्सा यहाँ पर हम सिवियाँ डालेंगे, 3 हिस्सा चावल डालेंगे और 1 हिस्सा सिवियाँ डालेंगे। सिवियों को हमने भून लिया है, भून कर हमने रख लिया है और ये हमने डाला है बासमती चावल। आप जितना पकाना चाहें, चावल का 3 हिस्सा लें और सिवियों का 1 हिस्सा लें। ये देखिए चावल को हमने डाल दिया है और इसको हम चलाएंगे।
चावल को हम पकने देंगे ताकि हमारे चावल हाफ बॉयल हो जाएं। ये देखिए चावल हमारे हाफ बॉयल हो चुके हैं। भुने हुए सिवियाँ हम यहाँ पर डाल रहे हैं। बारीक सिवियाँ ना डालें, जो मीडियम साइज़ के रहते हैं ना सिवियाँ वो डालें। इस तरह चावल के साथ हम सिवियों को भी मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिलाते हुए पकाएंगे। देखिए अच्छे से हमारी सिवियाँ चावल में मिल चुकी हैं। ये देखिए सारा पानी यहाँ पर सूख चुका है, चावल और सिवियाँ दोनों पक चुके हैं यहाँ पर। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए दम के लिए रख देंगे। दम होने के लिए हम इसको 15 या 20 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए हमारी तहरी पककर रेडी हो चुकी है। बहुत खुशबू अच्छी से आ रही है यहाँ पर और टेस्टी भी है। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। कुछ भी डाउट रहा तो मुझे कमेंट्स में पूछिए। सर्व करने के लिए तहरी रेडी है। ये देखिए तहरी के साथ हमने यहाँ पर रायता भी बनाया है। आप चाहे तो रायते को स्किप भी कर सकते हो, ऐसे भी तहरी टेस्टी लगती है। अल्लाह हाफिज़।